बाईसेक्शुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट था कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ बाई सेक्अल रिप्रोडक्शन दैन वाट आर डाइशियस ऑर्गेनिजम्स दैन बाई सेक्ल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉमन एज कंपेयर टू जीनी सेक्शुअल दैन सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म सो फर्स्ट था बाई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाइसेक् रिप्रोडक्शन बेसिकली हर मैफोडाइट्स का अपोजिट है हर मेफोडाइट्स के लिए हमने जैसे बात की थी कि एक ही एनिमल जो है उसके अंदर वो दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं जबकि बाइसेक्यू रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है एक ऐसा पैटर्न है जिसमें मेल ऑर्गन आर प्रेजेंट इन वन एनिमल एंड फीमेल ऑर्गन आर प्रेजेंट आर इन अदर एनिमल जैसे तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो सेपरेट एनिमल्स के अंदर जब मौजूद होंगे तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे दिस द जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे दिस विल बी कॉल्ड एज द बाई सेक्शल रिपोडक्शन सो इट मीन्स डेफिनेशन अगर हम बाई सेक्शल रिपोडक्शन की करेंगे तो हम कहेंगे कि बाई सेक्शुअल प्रोडक्शन इज अ फिना इन विच इन विच द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन टू सेपरेट एनिमल्स एंड दे रिप्रोड्यूस बोथ दे कम क्लोज टू इधर दे मेट विद ईच अदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द यंग वन इसमें बाई सेक्शल में एक एनिमल जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे दैट विल बी कॉल एज अ यानी कि जो जिसके पास टेस्टिस होंगे दैट विल बी कॉल एज अ मेल जबकि जिसके पास फीमेल या प्रोड्यूस करने की मशीनरी होगी दैट विल बी कॉल एज द फीमेल अच्छा बाई सेक्शल में को टर्म हम यूज करते हैं जैसे डाइशस डाई दिस आल्सो ग्रीक वर्ड डाई मीन टू एंड ओकेस मीन रूम्स तो टू रूम्स अगर हम इसको सेंस वाइज देखें तो मीन्स टू रूम्स फॉर टू सेक्सेज या हम इसको मजीद एक्सप्लेन करें टू इंडिविजुअल्स टू एनिमल्स फॉर टू सेक्सेस यानी दोनों सेक्स मेल और फीमेल सेक्स एक ही एनिमल के अंदर नहीं है बल्कि दो एनिमल्स एक एनिमल के पास मेल सेक्स एक पास फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मौजूद होते हैं सो so, आर टू सेपरेट ऑर्गन फॉर टू सेक्सेज तो डाइशियस बेसिकली बाई सेक्शल के लिए हम डाइशियस का वर्ड भी यूज़ करते हैं ऐसे एनिमल जिनके जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होते हैं दे आर कार्ड द डायशियस ज़्यादातर एनिमल डाइशियस ह्यूमनिटी सेल्फ क्या है डायशियस है जिसमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं सो बाई सेक्शुअली प्रोडक्शन इज़ मोर कॉमन अब बाइसेक्चुअली प्रोडक्शन का आप देखें तो ये ज़्यादा कॉमन है ज़्यादा एनिमल जो होते हैं वो बाइसेक्चुअल डाइशियस हैं मोनोइशियस कम है इन्हीं हारमाइफोटाइट्स कम हमें मिलेंगे ज़्यादातर एनिमल जो होते हैं वो क्या हैं जो वो डाइशियस हैं या बाई सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इसके रीज़न क्या है इसकी, क्या? इसकी जो इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो एक ये भी है कि जब दो एनिमल्स आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो जो नया ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा उसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्राम वेलकम फ्राम फादर एंड वन सेट ऑफ क्रोमोसोम वेलकम फ्राम मदर तो इसके अंदर दोनों तरफ से जब एक एक क्रोमोसोम का सेट आएगा अब एक नया जीन कम्बिनेशन बनेगा जब नए जीन कम्बिनेशन बनेंगे तो फिर पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा वेरिएशन आ रईस होंगी तो इसका अंदर कि बाई सेक्चुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ड्यू टू बाई सेक्चुअल रिप्रोडक्शन न्यू जीन कम्बिनेशन आ आपको पता है कि एक जीन की दो कॉपीज होती हैं कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है तो अगर एक से कैपिटल ए आ रहा है दूसरी तरफ से क्या आ रहा है स्माल ए आ रहा है तो एक नई जो है हमारे पास क्या बनेगी इसकी जो है वो कम्बीशन अराइज़ होगा और इसका अल्टीमेट जो बेनिफिट होता है वो फिर पॉपुलेशन को स्पीशीज़ को होता है कि उस स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशन ज़्यादा आरइज़ होती हैं डाइवर्सिटी ज़्यादा बढ़ती है जिस स्पीशीज़ का जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जितनी वेरिएशन ज़्यादा होगी उसकी सर्वाइवल के चांसेस उसकी फिटनेस के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को क्या सकते कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं सो एन अदर टर्म्स सेक्शुअल डाईमारफिज़म अच्छा ये दो टर्म्स हैं एक है सेक्शुअल मोनोमॉर्फिज्म एक है सेक्शुअल डाइमॉर्फिज़म सेक्शुअल डाई डाईमॉर्फ मॉर्फ कहते हैं फिजिकल अपीरेंस को जिनशेप को और डाई का मतलब टू कहते हैं जिस तरह से एनिमल्स में मेल और फीमेल है तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें मेल और फीमेल की अपीरेंस अलग अलग होती है डिफरेंट होती है जैसे अगर आप देख लें हैन की अपेरेंट्स और है कॉक की अपेरेंट्स और है इससे जो अगर आप पी काक और पी हैन यानी मोर और मोरनी के अपेरेंट्स देखें तो दोनों की फिजिकल अपीरेंस में क्या है फ़र्क मौजूद होता है अच्छा ये जो मेल और फीमेल की अपीरेंस का डिफरेंस है इसको हम क्या कहते हैं कि ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी एक सेक्स की फिनोटाइप एक है दूसरे सेक्स की दूसरे जो सेक्स है उसकी फिनोटाइप डिफरेंट होती है तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं होती है उसमें मेल और फीमेल के अंदर आप क्या कर सकते हैं उसको अपेरेंटली उसको आप जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते जैसे रैबिट्स हैं आपके पास रैबिट्स को आप नहीं समझ चलती कि इसमें कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है इससे अगर पिजन्स हैं तो उनको भी आप अपेरेंटली देख कर नहीं पता चल सकता कि इसमें कौन सा मेल है और कौन सा फ़ीमेल है तो जिन एनिमल्स में मेल और फीमेल में डिफ्रेंस नहीं किया जाता वो मोनोमॉर्फिक हैं उनको कहते हैं तो वो सेक्शुअली मोनोमारफिजम पाया जाता है उनमें यानी एक ही टाइप के दोनों एक पेरेंट्स के दोनों होते हैं जिनमें अलग अलग हैं जैसे ह्यूमन में मेल और फीमेल फिजिकली डिफरेंट है फिनोटिपिकली तो जब फिनोटिपिकली डिफरेंट है चाहे वो ऑन द बेस ऑफ कलर हो वेट हो साइज़ हो या फिर उसके जो होता है वो ये सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स की बेस के ऊपर सेपरेट हो तो उसको हम क्या कहेंगे चीज़ा सेक्शुअल डाइमॉर्फिजम है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं बर्ड्स की जिसमें आपके पास ये डक्स हैं जिसमें जो मेल है इट इज वेरी कलरफुल जबकि जो फीमेल है अच्छा बर्ड्स के अंदर आप जितना भी देखेंगे आपको हमेशा जो मेल है उसका वो ज़्यादा कलरफुल नज़र आएगा जबकि फ़ीमेल जो है वो उसकी जो है वो जो कलर पैटर्न कम है ठीक है जिससे हमारे पास ये फ़िज़न्स में भी जो मेल है इट इज़ मोर कलरफुल जबकि डक्स में भी मेल जो है मोर कलरफुल